रोज सुबह उठो नहीं जागो। हम हर रोज सुबह उठते हैं और अपने डेली रूटीन और वर्क में इतने बिजी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप अपने हर दिन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सुझाई गई इन 5 मॉर्निंग एफर्मेशंस को, इन 5 जरूरी बातों को स्वयं से सुबह उठते ही बोलनी चाहिए। ये एफर्मेशंस इतने कमाल के हैं कि इसके रिजल्ट के बारे में, इसके परिणाम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 5 वाक्य और आपकी जिंदगी जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। स्वयं पर आपका विश्वास बढ़ेगा, सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी, मुश्किलें जो है वो आसान लगने लगेंगी और आप एक दिन विनर बन जाएंगे, विजेता बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो सुबह उठते ही आपको कहनी है स्वयं से कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। ये शब्द विश्वास के साथ कहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ। इससे आपको अपने अंदर एक विश्वास आएगा, आप स्वयं से अधिक प्यार करने लगेंगे। जब आप ये कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो आपके जो वर्क है, आपके जो कार्य है, वे भी ऐसे ही होंगे, आप अच्छा करने लगेंगे। सच तो यह है कि हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, जबकि हम जैसा कोई दूसरा नहीं है। जो टैलेंट हम में है, जो काबिलियत हम में है, जिस तरह की यूनिकनेस हम में है, वो किसी और में नहीं है, हम जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए दोस्तों अपने आप से कहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, आई एम द बेस्ट। दूसरी बात जो आपको स्वयं से कहनी है वो ये है कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। कहते हैं अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार। इसीलिए अपने आप से हमेशा कहते रहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। इससे आपको उस मुश्किल काम को करने का रास्ता मिल जाएगा। हमें दोस्तों वही मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा सुबह उठते ही स्वयं से कहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर औरों ने किया है, दूसरों ने किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो शक्तियाँ उनके अंदर है वही शक्तियाँ मेरे अंदर है, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। तीसरी बात जो आपको स्वयं से कहनी है वो ये है कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान है और वो परम पिता वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, तो आपको अपने अंदर एक जादुई शक्ति का, एक ईश्वरीय शक्ति का एहसास होगा। हर काम को सफल करने की आपको प्रेरणा मिलेगी, आप कभी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ईश्वर पर आस्था रखिए, आपकी जिंदगी जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। चौथी बात पर नजर डालते हैं जो आपको कहनी है खुद से, वो बहुत ही जरूरी बात है कि आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। जब आप स्वयं से ये बात कहते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं एक हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक विनर हूँ, एक विजेता हूँ। और आप विनर की तरह सोचने लगते हैं। जो इंसान हार कर भी उससे सीखता है, गलतियों को दोहराता नहीं, वो एक ना एक दिन विनर जरूर बनता है। आप सुबह उठते ही स्वयं से जरूर कहिए कि मैं एक विजेता हूँ। आप कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। विनर वाली सोच जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, यकीन मानिए। इसीलिए चौथी बात जो है बहुत जरूरी है, वो कहना है आपको कि आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। पांचवी और सबसे जरूरी बात जो आपको खुद से कहनी है वो ये है कि टुडे इज माई डे, यस आज का दिन जो है वो मेरा दिन है। जरा सोचिए कि आप कितने खुश नसीब है कि आपको आज की सुबह नसीब हुई है। आज न जाने कितने लोगों को यह सुबह नसीब नहीं हुई होगी, लेकिन आप किस्मत वाले हैं कि आपको जीने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए एक और दिन मिल गया है। तो क्या आप इस दिन को ऐसे ही गुजर जाने देंगे? नहीं ना, ये आपका दिन है। दिन को अच्छा या बुरा बनाना सिर्फ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। इसे समझिए और आज कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आज कल से बेहतर बनाएगा। ये सिर्फ आप कर सकते हैं। इसीलिए पांचवी बात जो है बहुत जरूरी है, वो ये कहना है आपको कि टुडे इज माय डे, आज का दिन जो है वो मेरा दिन है। दोस्तों इन 5 संकल्पों को हर रोज सुबह स्वयं से कहिए। ये ऐसे चमत्कारी मॉर्निंग एफर्मेशंस है जिससे आपकी बात बनेगी ही बनेगी। ये मॉर्निंग एफर्मेशंस आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति।